है बड़ी बहस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कार संभालने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी किस तरह से एक्शन मोड में हैं और किस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, आज इसी पर करेंगे बड़ी बहस। योगी अब तक 5 बड़े फैसले कर चुके हैं, ये सभी वही फैसले हैं जिनका जिक्र बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किया था। फिलहाल योगी को गद्दी पर बैठे हुए 3 दिन हुए हैं, लेकिन उनके फैसलों से परिवर्तन की बयार अभी से बहने लगी है। और इतना ही नहीं, इस बीच में योगी जी अपना तूफानी दिल्ली दौरा भी करके आ गए हैं। हालांकि आज उन्होंने अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया है। किस मंत्री को क्या मिला, जल्दी से आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं। तो योगी के योद्धा, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने पास गृह, वित्त, आवास, खाद, कारागर, राजस्व, सूचना, नियुक्ति, प्रशासन, ये सब अपने पास रखे हैं ये विभाग, और साथ ही साथ नियुक्ति, कार्मिक, संस्थागत, वित्त, राज्य संपत्ति सहित 37 विभाग अपने पास रखे हैं योगी आदित्यनाथ ने। वहीं बात करें दिनेश शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम, उच्च शिक्षा, आईटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अपने पास रखा है डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। और लगातार जिस तरीके से आज विभागों के वितरण को लेकर के हम बात करें, केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यान विभाग भी अपने पास रखा है, ये विभाग मिला है केशव प्रसाद मौर्य को। और इसी के अलावा अगर बात करें सूर्य प्रताप शाही को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि आज जो विभाग बांटे गए हैं मंत्रियों को, अब नई जिम्मेदारियां हैं। तो फिलहाल सुरेश खन्ना को बात करें तो संसदीय कार्य नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है सुरेश खन्ना को। और इसी के साथ साथ योगी के योद्धाओं में जिस तरीके से अगली जिम्मेदारी की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रम एवं रोजगार विभाग मिला है बीएसपी से शामिल हुए बीजेपी में। सतीश महाना, एक जाना माना नाम जो कि सीएम की प्रबल दावेदारी को लेकर के, सीएम पद को लेकर भी उनका नाम आ रहा था, औद्योगिक विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विभाग सौंपा गया है। राजेश अग्रवाल को वित्त विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वित्त विभाग देखेंगे राजेश अग्रवाल। वहीं रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई, महिला कल्याण और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है रीता बहुगुणा जोशी को। वहीं दारा सिंह चौहान को वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, तो कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान। और इसी के साथ साथ धर्मपाल सिंह सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी अब खुद संभालेंगे धर्मपाल सिंह। तो ये हैं योगी के योद्धा जिनको जिम्मेदारी अब दी गई है। वहीं बात करें एसपी सिंह बघेल, पशुधन और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी से नवाजा गया है, अब पशुधन और मत्स्य विभाग का बखूबी लेखा जोखा देंगे। वहीं सत्यदेव पचौरी को खादी और ग्राम उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है योगी कैबिनेट में। तो ये हम बात कर रहे हैं योगी के योद्धाओं की। रमापति शास्त्री, समाज कल्याण और एससी एसटी कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है रमापति शास्त्री को। वहीं जयप्रताप सिंह को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही साथ आबकारी विभाग को लेकर के अब कोई बोल्ड डिसीजन भी लेना अब होगा, अब इनको इनके हाथ में है। तो सूर्य प्रताप शाही को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ओम प्रकाश राजभर को विकलांग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अपने दर्शकों को लगातार हम उन मंत्रियों के नाम बता रहे हैं और साथ ही साथ विभाग भी बता रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी दी गई। ब्रजेश पाठक बीएसपी से बीजेपी में आए शामिल, विधि और न्याय विभाग की जिम्मेदारी दी गई है ब्रजेश पाठक को। और इसी के साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि लक्ष्मी नारायण चौधरी, दुग्ध विकास विभाग का पद अब उनके हाथ में है, तो अब जिम्मेदारी उनके हाथ में है। तो चेतन चौहान के बाद भी खेल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और इसी के साथ साथ श्रीकांत शर्मा, एक जाना माना नाम, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, और साथ ही साथ
कुछ और भी महत्वपूर्ण विभाग इनको सौंपे गए हैं, विभाग कहें या जिम्मेदारियां कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग राजेंद्र प्रताप सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है। तो योगी के योद्धाओं के बारे में और उनके विभागों के बारे में लगातार हम बता रहे, सिद्धार्थनाथ सिंह चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपी गई है। अब स्वास्थ्य विभाग को किस तरीके से बेहतर सुविधाओं से लैस करना है, बड़ी जिम्मेदारी मुकुट बिहारी वर्मा। सहकारिता विभाग की अब जिम्मेदारी उनको संभालनी है, यह विभाग उनको दिया गया है। वहीं बात करें आशुतोष टंडन, प्राविधिक और चिकित्सा विभाग अब कई जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, लेकिन अब प्राविधिक शिक्षा विभाग को निभाना है। वहीं नंदगोपाल नंदी, स्टाम्प और न्यायालय शुल्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है योगी कैबिनेट में। तो ये तो हुई योगी के कैबिनेट की बात, लेकिन तीन दिनों के अंदर योगी सरकार पांच बड़े फैसले भी कर चुकी है। आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। पहला फैसला एंटी रोमियो दल का गठन। बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार में एंटी रोमियो दल के मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था। खुद योगी आदित्यनाथ इसके समर्थन में रहे। योगी सरकार ने मंगलवार को इस फैसले पर अमल करते हुए सभी जिलों में एंटी रोमियो दल गठित कर दिया। इसको जोनल आईजी मॉनिटर करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में इस स्क्वाड ने अभियान चलाया जिसमें कई मंचले हिरासत में लिए गए। दूसरा फैसला बूचड़ खाने पर ताला। बीजेपी के संकल्प पत्र में बूचड़ खानों को बंद करने का मुद्दा अहम था। सरकार गठन के बाद योगी सरकार के पहले ही दिन इलाहाबाद नगर निगम ने दो अवैध बूचड़ खानों को बंद करवाया। इसके बाद गाजियाबाद में 15 बूचड़ खानों को सील किया गया। इन शहरों के अलावा आजमगढ़, वाराणसी और अन्य शहरों में बूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तीसरा फैसला कानून व्यवस्था पर जोर। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के वक्त समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही सबसे पहले इस मुद्दे पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। योगी ने शपथ से पहले ही आदेश दे दिया था कि उत्सव की आड़ में किसी भी तरह की अराजकता को बख्शा नहीं जाएगा। चौथा फैसला राम म्यूजियम के लिए जमीन। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राम मंदिर का मुद्दा गर्मा गया, तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामायण म्यूजियम परियोजना को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसका ऐलान किया था, लेकिन अखिलेश सरकार में इस परियोजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब यूपी में बीजेपी सरकार ने इसके लिए जमीन आवंटित करने का ऐलान किया है। इस परियोजना पर 154 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। पांचवा फैसला धार्मिक स्थानों की सुरक्षा। अप्रैल में आने वाले नवरात्रों और रामनवमी के त्योहारों के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी शक्ति पीठों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए। वहीं अयोध्या के लिए विशेष तौर पर निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के वक्त किसी भी असामाजिक तत्वों को न छोड़ा जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की। आज हमारे साथ पैनल में कई खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। डॉक्टर संदीप शुक्ला जी, समाजवादी प्रवक्ता। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। ठाकुर उमेश सिंह जी, बीएसपी प्रवक्ता, और ब्रजभूषण जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है। और लाइव टुडे के न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल जी। रतन मणि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी चीजें आज हम आपसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला सवाल ब्रजभूषण जी से ही है। ब्रजभूषण जी, बिल्कुल अभी शायद अब तीसरे ही दिन है आज तो, लेकिन कामयाबी जिस तरीके से सामने आ रही है, काम सामने आ रहे हैं, बधाई सबसे पहले तो स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। मैं पूरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी प्रदेश को केसरी में करने का काम किया है। और मैं अपनी चरखारी विधानसभा के सभी नागरिकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे भारी मतों से जिताने का काम किया। धन्यवाद मित्रों जी। चलिए संदीप जी से एक सवाल है। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बूचड़ खाने को बंद करने को लेकर के बात करी, तो ये 12 बजे एजेंडे में था कि जैसे ही सरकार आएगी 12 बजे काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा देर से ही सही लाइव टुडे ने हालांकि इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अब कहीं ना कहीं खबर का असर भी, बूचड़ खाने मेरठ में भी बंद हुए, बात करें कानपुर में बंद हुए, सबसे पहले इलाहाबाद में 2 बूचड़ खाने बंद हुए। अगर आपकी सरकार की बात करें तो आपकी सरकार ने तो इस बारे में कभी कोई पहल ही नहीं की। नहीं देखिए, बूचड़ खानों को जहां तक बंद करने की बात है तो वो अपने आप में एक अच्छा कदम है, और लेकिन ये है कि इस पर एक स्पष्ट नीति बनानी होगी सरकार को, और अभी बहुत वक्त है और हम उम्मीद करते हैं कि बनाया भी जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग जो है उनके पास लाइसेंस थे और लाइसेंस जो है वो किसी कारण से रिन्यूअल नहीं हो पाया, तो
तो वो अभी उनको बंद करा दिया जा रहा है और बहुत से जो है उसी मतलब ये है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए था कुछ जी। वो अगर रिन्यूअल करा सके क्योंकि तो उनका एक रोजगार बन चुका है उत्तर प्रदेश का। अच्छा पूरी तरह से तो बंद किया नहीं गया है, जिनके पास लाइसेंस है उनको पूरी तरीके से बंद भी नहीं किया जाना है, वो जो अवैध बुचड़ खाने जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको अभी फिलहाल बंद किया जा रहा है। अभी दो तरीके जी जी, एक लाइसेंस न होना और एक लाइसेंस का रिन्यूअल न होना, तो यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। तो जिनका रिन्यूअल अभी किसी कारण से साल भर पहले छह महीना पहले नहीं हो पाया और उनका एक प्रमुख रोजगार था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार आज भी उसको एक रोजगार की सीमा से बाहर नहीं कर रही है और केवल अवैध बूचड़ खानों को बंद कर रही है, तो वहाँ पर थोड़ा वक्त उनको देना चाहिए कि अगर उनको पहले से चल रहे हैं और अगर अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करा सकते हैं तो एक दो महीने का समय या पंद्रह दिन कुछ सवाल ये कि पुलिस अब आप इस काम की सराहना कर रहे हैं इस कार्य की बड़ी अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, लेकिन आपकी भी पांच साल सरकार आई, आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा, ना कोई कदम उठाया, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई? अलग हर सरकारों की अलग जो है घोषणा पत्र होता है, अलग दिशा में काम करती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र में था और उस सब उस काम कर रही है, तो उस काम को हम अभी हमारी सरकार की नीति है कि छह महीने तक तो हम बोलेंगे नहीं, अभी हम केवल वाच कर रहे हैं, तो हम उस सरकार अपनी केवल जो अच्छी चीजें हैं उनकी सराहना भी हमारी समाजवादी पार्टी करती है, तो जहां पर केवल बुराई के लिए केवल विपक्ष में नहीं होते हैं, अच्छी चीजों की सराहना, लेकिन उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो एक जिम्मेदार विपक्ष का हमारा काम है कि उनमें थोड़ा बहुत हम अपना जो है आलोचनात्मक और जो है अपनी बात भी रखें, तो वो हम यही इसलिए कर रहे हैं कि उसमें अगर ये चीज होती कि थोड़ा सा मौका उनको मिले। उमेश जी, अगर 2000 पहले से 12 से पहले की बात करें, 2007 से 12 तक आपकी सरकार में भी कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई, हालांकि अब विपक्षी दल जो हैं वो सब सराहना करते नहीं थक रहे हैं? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और अभी भी जो है, अभी भी मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से वादा किए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि बंद कर देंगे जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, हम रात 12 बजे से पहले सब पूरा यहां से बूचड़ खाना बंद हो जाएगा प्रदेश से, तो अभी खैर उसके ऊपर तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो अवैध तरीके से चल रहे थे उनको बंद कर रहे हैं, तो अभी उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या उनका प्लानिंग बना है, क्योंकि इससे बेरोजगारी भी बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार भी लोग होंगे, इससे जुड़े हुए हैं लोग, तो उन लोगों के लिए क्या प्लान बनाए हैं उनको भी देखना जरूरी है। बाकी जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनको जो रिन्यूअल लाए के नहीं है उनको बंद करना जरूरी है। और सबसे पहली चीज मैं समझता हूं कि लाइन ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर जैसे कि देख रहा हूं कि डेली कई मर्डर हो चुके हैं, कई जगह थानों पे भी प्रॉब्लम हुई, कई सीईओ को भी बोला गया विधायकों के द्वारा भाजपा के, झंडे फहराया जाना, आज भी घरों में मथुरा में लूट लिए, दिन दहाड़े डकैती पड़ी, कहीं आज अपहरण का भी एक केस सुनने में आया आप लोगों के चैनल के द्वारा, तो सबसे बड़ी चीज है लाइन ऑर्डर। लाइन ऑर्डर को सबसे फर्स्ट प्राथमिकता देके मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता के लिए उसके ऊपर कदम उठाएं, उसके बाद अपना धीरे धीरे सारा काम करेंगे, ये तो अच्छा है। चलिए हम एक एक करके बात करेंगे, हम पांच उपलब्धियों को लेकर के बात करें, पांच चुनौतियों को लेकर। सबसे पहले जिन पर एक्शन में दिख रही है योगी सरकार, ब्रजभूषण जी, जिस तरीके से बूचड़ खाने को लेकर के अगर बात करें तो अब सवाल ये उठ रहा है, विपक्षी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं साफ तौर पर कि जो प्रोफार्मा है, जो एक रोड मैप है, जो एक ब्लूप्रिंट है, वो सरकार ने नहीं तैयार किया है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है इस मामले में। देखिए सबसे पहले तो मैं विपक्षियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग तारीफ कर रहे हैं योगी जी के कामों का, और दूसरी बात रही कि जल्दबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ कोई भी जल्दबाजी नहीं है, और ये बात जो कर रहे हैं कि प्रशासन की कानून व्यवस्था की, तो मैं बता देना चाहता हूँ जो कानून व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के सरकार के टाइम के लोग बैठे हुए हैं, जो अभी कानून व्यवस्था में पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ कानूनी व्यवस्थाओं में दिक्कतें सामने आ रही होंगी जी, मगर आप जल्द ही देखेंगे कि कानून व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी में हो की सरकार में होगी वो आपको जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, अब लोगों को भी इंतजार है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था रहती है, कानून व्यवस्था रहती है, क्योंकि पिछली सरकारों से लोग काफी अब बेहतर सुविधा चाह रहे हैं। रतनमणि जी के पास चलेंगे। रतनमणि जी, बूचड़ खाने पर हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं, बूचड़ खाने जिस तरीके से बंद कर रहे हैं, अब खबरें यही आ रही हैं कि मेरठ से भी आ रही हैं, सबसे पहले जो लाइव टुडे ने खबर दिखाई तो उसके बाद इलाहाबाद से खबर आई कि दो बूचड़ खाने वहां पर बंद हुए, अब लखीमपुर से भी खबर आई, कानपुर से भी। सवाल यह कि बूचड़ खाने बंद करने को लेकर के जिस तरीके से
अब जो साइड इफेक्ट अगर देखें इसके, तो क्योंकि बहुत सारे लोग इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनके साइड इफेक्ट किस तरीके से देखने को आएंगे? देखिए, ये स्लॉटर हाउसेस को बंद करने का जो मामला है, ये सीधे सीधे जो कैटल है यानी कि जो गाय बैल और भैंस इसकी तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसा कहा जाता है कि चूंकि कुछ ही बूचड़खानों को हर शहर में लाइसेंस मिलता है और वो लोग कितने जानवर लाते हैं और उनको मारते हैं उस पर नियंत्रण रहता है। ऐसा माना जा रहा था और ऐसा आरोप भी लगाया जाता था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग गोवंश की तस्करी करते थे और वो तस्करी करके उनको चोरी छिपे जो इल्लीगल बूचड़ खाने थे वहाँ दे दिया जाता था, जिससे कि उनको काट के और मार्केट में पहुँचता था। तो ये जो निर्णय है, मुझे ऐसा लगता है ये जो कैटल है, जो गोवंश के जानवर हैं, उनको बचाने के लिए के और उनके हित में लिया गया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से संदेश था कि वो इलीगल बूचड़खानों को इसीलिए बंद करना चाहती है क्योंकि वहाँ पे गलत तरीके से गोवंश की तस्करी करके लाए हुए जानवरों को मारा जाता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इसको प्रायोरिटी पे रखना ये इस पार्टी का विशेषाधिकार है। हर पार्टी का एक विशेषाधिकार हो सकता है कि वो पावर में आने पे सबसे पहले क्या करेंगे। जी, तो अगर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अगर ऐसा वादा किया था कि वो सबसे पहले ये काम करेंगे और वो ऐसा कर रहे हैं, तो ठीक है, उनके हिसाब से ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला मसला अगर है और उनको लगता है कि गौवंश की तस्करी रोकने का एक ये तरीका हो सकता है कि जो अवैध बूचड़ खाने हैं उनको बंद किया जाए, तो ये इस सरकार की प्राथमिकताओं में यदि था और वो यदि ऐसा कर रहे हैं तो ये उनका विशेषाधिकार है। साथ ही इसको बंद करने से अगर कुछ लोग बेरोजगार होते हैं तो ये तर्क मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि उन बेरोजगार लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि अगर अवैध शराब की भट्टियों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें भी तो कुछ काम कर रहे थे लोग, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर कोई अवैध काम में लगा हुआ है और वो अवैध काम अगर बंद होता है जिसकी वजह से उनका रोजगार छूट जाता है जी, तो ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता कि अवैध काम। लेकिन इस पर विचार करने की भी कहीं ना कहीं जरूरत, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक रतनमणि जी लगभग 2 लाख लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है ब्रजभूषण जी कि अगर 2 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो इस स्लॉटर हाउस के काम में पूरी तरीके से बिजी हैं और उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो अब क्या करेंगे, तो इसके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट सामने आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सवाल यही है कि अब सरकार ने क्या कुछ ब्लूप्रिंट किस तरीके का तैयार किया है, आगे उन लोगों के बारे में क्या कुछ सोचा है, ये जरा हम आपसे जानना चाहेंगे ब्रजभूषण जी। देखिए, जो बात आपने कही है कि बेरोजगार होंगे, निश्चित तौर पर अवैध कार्य करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बट ये है कि आगे वो लोग अच्छे कामों को करने का प्रयास करेंगे और उन अच्छे कामों को करने के लिए हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके लिए सहयोग करेगी, मदद करेगी। और पूरे देश में सोच बदलनी चाहिए, जो अवैध काम किसी भी प्रकार के हो रहे हैं, ये बूचड़ खाने हो और भी ऐसे अन्य काम हैं, ड्रग्स को लेकर हैं, शराब को लेकर हैं, जुए को लेकर हैं, वो भी हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अभी ये चीजें सामने आ रही हैं, ब्रजभूषण जी क्या लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर भी कोई सरकार बड़ा बोल्ड डिसीजन ले सकती है? देखिए, अवैध कार्य को लेकर कोई भी चीज हो उसके लिए सरकार निश्चित तौर पे कदम उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है उसमें जो भ्रष्टाचार पूरा प्रदेश में चरम सीमा पर फैला हुआ है, आज हम लोग विधायक बन के पहुंचे हैं और अगर हम किसी अधिकारी से बात करते हैं तो हर अधिकारी पैसे मांगने से चूकता नहीं। यहाँ पे इन 5 सालों में अधिकारियों ने अपनी जेबें इतनी गर्म की हैं, इतनी गर्म की हैं कि आज वो बगैर पैसे के काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ईमानदार अधिकारियों को लाकर उन कुर्सियों पर बैठाने का काम करेगी, जिससे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा और जो भी अवैध धंधे। चलिए, ईमानदार और बेईमान तो बात की बात है, लेकिन पहले टाइम से ऑफिस आ ही जाएं अफसर, यही बड़ी बात है। इसके लिए भी योगी आदित्यनाथ ने एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 9:30 बजे अब अधिकारी अपनी सीट पर होंगे। फिलहाल मैं संदीप जी के पास आ रहा हूं। संदीप जी, जिस तरीके से अगर बात करें बूचड़ खाने बंद खाने को लेकर के, आपकी सरकार में कभी कदम शायद इसलिए नहीं उठाया गया कि कहीं ना कहीं बड़ा राजस्व आ रहा था, शायद यही एक खतरा था कहीं ना कहीं, नहीं लगता?
हमारी हाँ। सरकार ने नहीं, पहले भी किसी ने नहीं उठाया, पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी आई हैं, उन्होंने भी नहीं उठाया, कांग्रेस की सरकार ने भी नहीं उठाया। कोई नई चीज होती तो इसका मतलब नहीं है कि पीछे की सरकार की कोई मंशा ऐसी थी, कोई नई शुरुआत है तो वहां के एक सरकार को नहीं घेरा जा सकता या किसी सरकार को लेकर नहीं कहा सकता। पीछे जितनी सरकारें आई थी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी भी आई जहां जहां पर छापे मारे गए जो बंद हुए हैं उनमें सपा के लोगों का ही हाथ था, ज्यादा उनके ही सबसे ज्यादा पाए गए। जो छापे मारे जा रहे हैं उसमें पुलिस बदले की भावना से भी काम कर रही है। कई ऐसी जगहों पर बंद कर दिया गया जिनके पास लाइसेंस थे उनको बंद कर दिया गया, तो शिकायतें हुई उस पर हाई लेवल पर शिकायतें हुई, उसकी जांच वगैरह हो रही होगी। तो ये नहीं कह सकते कि सब ऐसा ही है जी, या किसी व्यक्ति विशेष का था या पार्टी विशेष का था। रही बात, ये पहले चला आ रहा था और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि सब तो बंद किया नहीं जा रहा। कोई ऐसी मंशा भारतीय जनता पार्टी सरकार की नहीं है कि बूचड़खाने बंद कर दिए जाए, अवैध बूचड़खाने बंद किए जा रहे हैं। क्योंकि अवैध इसीलिए क्योंकि लाइसेंस अगर 300 को है तो उससे ज्यादा अवैध चल रहे हैं, करीब उससे कई गुना ज्यादा चल रहे हैं, 1000 से ज्यादा चल रहे हैं अवैध। सवाल यही है जी, ऐसी चल रही है जी, तो सारी चीजें जो अवैध उनको बंद कर दिए। बूचड़खाने ही नहीं, बहुत से कार्य हो रहे हैं वो उन सबको अवैध बंद कर दिया जाना चाहिए, और किया जाएगा तो स्वागत किया जाएगा। उमेश जी, बीएसपी के जो कार्यकर्ता उनके संरक्षण में कई जगह पर बूचड़खाने चल रहे थे, लेकिन अभी तक बीएसपी ने कोई कदम नहीं उठाया इस संदर्भ में, लेकिन अब सब चीजें सामने आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा हाँ। ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, ये जो है बूचड़खाने बहुत पहले, आज का नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल, आज जो है बीएसपी और एसपी कब से आई है ये तो बहुत टाइम से, आज 50 साल से। जब ये प्लान किया गया था तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी और उसको ध्यान में रख करके ये सब किया गया था। बस ये रहा कि वो थोड़ा सा अलग रूप लेता चला गया, उसमें क्राइम बढ़ता चला गया और लोग फर्जीवाड़ा करने लगे और गलत तरीके से चलाने लगे इन सब चीजों के लिए। और ये चीज आई है अब, एकदम से मोड़ लिया है भाजपा के टाइम पे, चुनाव के टाइम पे, कि मैं इसको पूरे प्रदेश में जिस दिन आऊंगा उस दिन रात 12 बजे से पहले बंद कर दूंगा। तो आज इसके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो बस सोचने की बात है, उसके ऊपर देखना है और किस तरह से कैसे प्लान करते हैं और क्या उसमें जो है बाकी लोगों के लिए सोचते हैं, जो प्लान करके किया गया तो उसके बारे में क्या राय देते हैं, क्यों अच्छा समझते हैं, तो ये सब चीजें तो अभी देखते हैं। रतनमणि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से उमेश जी ने कहा कि ये बीजेपी ने मुद्दा उठाया, ये लेकिन ये मुद्दा आज का नहीं उठाया, ये आजादी के बाद से महात्मा गांधी भी एक बार उठा चुके हैं इस मामले को लेकर के, जो बूचड़खाने जो अवैध जो चल रहे हैं इसको लेकर के। बूचड़खाने अगर कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे तो महात्मा गांधी जी को भी कहीं ना कहीं सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद पड़ता है कि ये मामला हमेशा चर्चा में तो रहता ही था, लेकिन किसी पार्टी ने शायद किसी राज्य में इसको अपना चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था। आपको याद हो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी, जहां जहां पिछले कई सालों में हमने चुनाव देखे हैं, इसको उस तरह का मुद्दा नहीं बनाया गया था जिस तरह का मुद्दा इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और ये कहीं ना कहीं पार्टी की सोच से और पार्टी का जो एक पूरा एजेंडा है उससे जुड़ा हुआ काम है कि वो मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे गोवंश और कैटल की तस्करी हो रही थी कि वो बिहार चला जाता है और बांग्लादेश चला जाता है और वहाँ काटा जाता है, और तमाम सारी कैटल जो है वो उत्तर प्रदेश में ही जो इलीगल स्लॉटर हाउस है वहाँ भेजी जाती हैं, काटा जाता है। तो मुझे लगता है ये एक पूरा एक वो एजेंडा है जो कि पिछले कई सालों से चर्चा में तो रहता था लेकिन किसी पार्टी ने इसको अपना मुद्दा नहीं बनाया था। रतन जी, आपने बहुत सही कहा, चर्चा में तो रहता था लेकिन किसी पार्टी ने अपना मुद्दा इसको नहीं बनाया। उसे क्या डर था कि कई जो पार्टी का जो संरक्षण है ये उसको प्राप्त है या राजस्व की हानि होगी, ये तमाम सारी चीजें ऐसे फैक्टर थी जिनको लेकर के बचती थी पार्टियां कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जो भी अवैध काम होते हैं वो बिना राजनीतिक संरक्षण के तो देखिए होते नहीं, चाहे वो ये प्रदेश हो चाहे वो कोई प्रदेश हो। और उत्तर प्रदेश में इस तरह के आरोप अक्सर हम लोग को सुनाई पड़ते रहते थे कि लखनऊ में और अन्य शहरों में इस तरह के जो काम हो रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। अब अगर ये बात धीरे धीरे करके सामने आती है कि अवैध काम राजनीतिक संरक्षण के की वजह से ही हो रहा था और उसको रोका जाता है, तो मुझे लगता है इसका राजनीतिक विरोध तो जरूर होगा ही, लोग करेंगे ही, राजनीतिक विरोध होगा। हाँ, लेकिन बीजेपी शायद हर तरीके के विरोध के लिए तैयार है, क्यों बृजभूषण जी? बिल्कुल तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ऐसे कामों के विरुद्ध में तैयार रहती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार 20 सालों से समाजवादी और बीएसपी की सरकारें रहीं, और इनकी सरकारों में लगातार बूचड़खानों की संख्या, अवैध बूचड़खानों की संख्या बढ़ती चली गई। जो अवैध बूचड़खानों की अगर हम लोग बात करें
तो वो पिछली जो कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही या ये आरोप लगाते हैं तो वो आरोप निरर्थक है, क्योंकि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, मैं वहाँ पे भी बहुत जाता रहता हूँ, मगर वहाँ पे अवैध रूप से कोई भूचड़खाने नहीं चल रहे हैं। और यूपी की अगर हम लोग बात करें, भी हो रही है, ऐसा नहीं है, नगर निगम वहां पर भी पूरी तरीके से एनजीटी ने आदेश दे दिए बंद करने को, लापरवाही वहां पर भी सामने आई है, कार्रवाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, ऐसा नहीं है, जो रिपोर्ट आई है, पार्टी की सरकार है वहां वहां पर अवैध भूचड़ खानों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई चल रही है, और हर जगह आप देखेंगे अब बंद आपको भूचड़ खाने मिलेंगे जी। लेकिन ऐसा आप नहीं कह सकते कि वहां पर नहीं है, लेकिन अब ये क्योंकि नहीं, मुद्दा उठा है, क्योंकि अब ये मुद्दा उठा है इसलिए अब सारी की सारी चीजें सामने आ रही। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर अवैध रूप से चल रहे थे यांत्रिक भूचड़ खाने, और छत्तीसगढ़ में भी ऐसे चल रहे थे कई जगह, सुकमा जैसे इलाके में जहां पर जो नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर, ताज्जुब होता है बहुत। फिलहाल हम इस पर बात करेंगे, लेकिन एंटी रोमियो को लेकर, स्क्वाड को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कार्यभार संभालने के बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। योगी किस तरह से एक्शन मोड में है, लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जिस तरीके से नई सरकार के गठन के बाद, योगी सरकार के गठन के बाद, अब तमाम नुक्कड़ खानों पर चाय की चुस्कियों के साथ बात लोग करते हैं कि एक वर्ग खासे डरा हुआ है, क्या वाकई में डरा हुआ है? अगर डर है तो किस बात का डर है? देखिए, पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसी एक पार्टी के सरकार बनने से किसी भी वर्ग को डरने की जरूरत आखिर क्यों पड़नी चाहिए। हमारे देश में सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से सिस्टम चलता है, जिस तरह से राजनीतिक जो शक्ति है वो चुनाव के बाद या तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाती है, लेकिन बाकी सिस्टम बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो अन्य आपके लोकतंत्र के जो हिस्से हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि कुछ समाज के कुछ वर्गों को ऐसा लगता है कि एक पार्टी के आ जाने पर जिस तरह के बयान इस पार्टी के कुछ लोग चुनाव के प्रचार के दौरान देते रहते थे, उससे लगता था कि वो एक वर्ग के खिलाफ काम करेंगे। लेकिन चूंकि अभी तक इस तरह का कोई मुझे संकेत नहीं दिख रहा है कि इस सरकार का कोई प्रयोजन ऐसा है या कोई इंटेंशन ऐसा है कि किसी एक ही वर्ग के खिलाफ काम करें, तो मुझे लगता है कि ये डर बेबुनियाद साबित होगा। और इस तरह का डर देखा एक के बात एक बात रतनमणि जी इसलिए भी उठ रही, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बीजेपी बात तो करती लेकिन एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, हालांकि कैबिनेट में जगह दे दी मोहसिन रजा साहब को और कई लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब ये कोशिश इस बात की कर रही है कि थोड़ी सी इक्वेशन को कंप्लीट करे, बराबरी के दर्जे पर ले आए, कम से कम टिकट नहीं दिया तो कम से कम कैबिनेट ने तो जगह दे ही दे। बिल्कुल, और मुझे लगता है जैसा कि इधर पिछले कुछ दिनों से, दो तीन दिनों से लगातार इस तरह की चर्चा मीडिया में आ रही है, बयान आ रहे हैं कि इस सरकार को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग बिल्कुल डरे ना, भयभीत ना हो, और उनको लगे कि ये सरकार उनके लिए भी काम कर रही है। आज आप लाइव टुडे के माध्यम से कम जो दर्शक जिन्होंने ट्यून किया है लाइव टुडे बड़ी बहस देख रहे हैं, कि आप खास करके उन लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि बीजेपी से डर लगता है, तो आप उनको बताइए कि बीजेपी से डरे ना, किस तरीके से बताएंगे? आलोक राजा जी, इस देश में जो इस देश का भक्त है और जो देश को दिलो जान से चाहता है, उस व्यक्ति को इस देश के अंदर बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, निश्चित तौर से उन लोगों को मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूं, उनको डरने की आवश्यकता है जो पिछले सालों के बीच में हमारे देश में रहकर पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, या वो जो लोग गलत गतिविधियों में पाए गए हैं जी। मैं अपने लोगों को ये बताना चाहता हूं, देश की जनता से ये कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश को विश्व में नंबर एक बनाने का काम कर रहे हैं, पूरे देश के लोगों की सोच को बदलने का काम कर रहे हैं, पूरे देश से जातिवाद, धर्म, मजहब को खत्म करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने योजनाओं को लाकर आम गरीब किसान मजदूर के बीच में लागू की है, उससे हर वर्ग का आदमी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा, जिस तरीके से उन्होंने गैस सिलेंडर को
घर घर पहुंचाने का काम बिल्कुल किया। तमाम सारी योजनाएं जो आम आदमी के लिए गरीब वर्ग के लिए कोशिश की वो वाकई में सराहनीय है। मैं एक फाइनल कमेंट उमेश जी से, उमेश जी एक्शन में जो योगी नजर आ रहे हैं अब आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे किसी का कोई डर नहीं है, न यहाँ पाकिस्तान से डर है, न कश्मीर से डर है, न किसी बांग्लादेश से डर है। अगर यहाँ अगर कोई चीज है डरने वाली तो वो बढ़ती हुई आबादी और जातिवाद है। अगर जातिवादता खत्म हो तो वो सबसे बड़ा सराहनीय चीज होगा। चलिए संदीप जी एक फाइनल कमेंट बस, किस क्या वाकई में डरा हुआ है मुस्लिम क्या? जी नहीं, किसी तरह का डरा तो पहले ही बताया कि यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हुई है और लोकतंत्र हमेशा जीता है और जनता का शासन है, पहले भी जनता का शासन था, किसी तरह का कोई डर नहीं है और हम लोग अच्छे वातावरण में उत्तर प्रदेश को बिल्कुल सब एक स्वस्थ वातावरण में ना, इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आए हुए मेहमानों का, ब्रजभूषण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर संदीप जी आपका भी बहुत बहुत थैंक्स और रतनमणि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत सारी चीजों को जानने और समझने की कोशिश की। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कार संभालने के बाद पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब आगे ये एक्शन किस तरीके से बढ़ता है ये देखना होगा। बड़ी बहस में इतना ही, बने रहिए लाइव टुडे के साथ क्योंकि लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।